है मोदी कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गोंड की 5 उपजातियां एसटी में शामिल की गई हैं। यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल की गई है, गोंड की 5 उपजातियां भी एसटी में शामिल। 13 जिलों में गोंड जाति एससी से एसटी में शामिल, अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई गोंड जाति। एससी नहीं बल्कि अब एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में शिफ्ट किया गया। अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई गोंड जाति। और पीयूष तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी पीयूष देंगे ज्यादा जानकारी। पीयूष देखिए, आज आमतौर से जिस तरीके से मोदी कैबिनेट की जो बैठक है वो बुधवार को होती है, आज भी बैठक हुई थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, इस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे क्या कुछ फैसला लिया गया। ऐसे में मोदी सरकार ने एक काफी अहम फैसला लिया है जिसमें उत्तर प्रदेश की करीब 13 जिले हैं जहां पे गोंड जो जाति होती है उसको अनुसूचित जाति से हटा के अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो 5 उपजातियां हैं, चाहे धुरिया है, नायक है, ओझा है, पठारी है, राजभवन है, उनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। कई दिनों से इन लोगों की मांग थी इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, हालांकि कई सरकारें इस दौरान बदली और इनकी मांगों को नहीं सुना गया, कई दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने सीधे तौर पर ये बड़ा फैसला लिया है और इसका सीधा फायदा इन जातियों को होने वाला है। चूंकि 13 जिलों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोकसभा के अब चुनाव होने वाले हैं, तो सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश में इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी इससे भी होने वाला है। तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है जिससे सीधे तौर पे इन जातियों को फायदा होने वाला। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है इन जातियों को इससे फायदा होने वाला है, एसटी में इनको शामिल किया गया है। खासतौर पर अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी की जो गौंड जाति है वो एसटी में शामिल हो चुकी है, इनकी 5 उपजातियां भी अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई हैं और कई जिलों में, कई इलाकों में इनका अपना प्रभाव है। और 13 जिले ऐसे हैं यूपी के जहाँ पर गौंड जाति हैं, वहाँ के लोग रहते हैं गौंड जाति के, और इनको एससी से एसटी में शामिल किया गया, अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई है गौंड जाति, अनुसूचित से हटाकर अनुसूचित जनजाति में इनको किया गया है। 5 जो उपजातियां हैं उनको भी इसी तरफ शिफ्ट किया गया है। धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड ये एसटी में शामिल हुई हैं, अनुसूचित से हटाकर उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। यूपी की गोंड जाति एसटी में शामिल हुई, यह बड़ी खबर इस बीच आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट का यह बड़ा फैसला जिस पर अनुराग ठाकुर जानकारी भी दे रहे थे, मोदी कैबिनेट ने फैसला करते हुए यूपी के 13 जिलों में गोंड जाति को एसटी में शामिल किया, अनुसूचित जनजाति में भी शामिल हुई हैं, गोंड की 5 उपजातियां भी अनुसूचित जनजाति में ही शामिल।